ये देखिए खुल गया, और अब देखिए वापस से बंद करता हूँ इसको, सटाक से बंद हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल शौकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर 1000 से 1500 रुपए तक आता है, और भी अगर हम ब्रांडेड लेना चाहे तो और भी कॉस्टली भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही कम पैसों के अंदर बिल्कुल सस्ता इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर बना के बताऊंगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। और जिन्होंने भी अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का स्क्रू ड्राइवर मैं काफी दिन पहले लेके आया था फ्रेंड्स, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के अंदर। और इसी तरह के अलग अलग प्रकार के स्क्रू ड्राइवर फ्रेंड्स आपको मार्केट के अंदर काफी सारे मिल जाएंगे। तो अब आप सोच रहे हो कि यार मुकेश भाई इसको दिखाने से क्या मतलब है यार, हमें तो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से मतलब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पड़ेगा सिर्फ हमारे 100 रुपए के आसपास, और हम इसी के द्वारा बना लेंगे 1000 रुपए के आसपास इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। बल्कि अच्छी क्वालिटी का लेंगे ना तो 15 से 2000 रुपए तक का भी पड़ जाता है। ये देखिए इसको चलाते हुए मुझे काफी दिन हो गए थे, तो ये यहाँ से डैमेज हो गया था। देख सकते हैं इसकी जो प्लास्टिक है यहाँ से टूट गई थी, लेकिन वैसे हमें इसका कोई भी काम नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इससे। तो इसके अंदर देखिए ये बिट इस तरीके से लग जाती है। ये देखिए एक बार मैं इसको लगा के आपको बताता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए इस बिट के दोनों तरफ मुंह है खोलने के लिए, तो हम ये सारे बिटों को भी दो टुकड़ों में कट कर लेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो वो देख लेंगे सुविधा अनुसार। फिलहाल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका ये जो मुंह है ये हमें काम में लेना है। अगर आप चाहे तो कुछ और भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। फिलहाल फ्रेंड्स मुझे तो यार ये वाली चीज अच्छी लगी, क्योंकि इसके द्वारा अगर हम बनाएंगे ना तो वो मजबूत रहेगी चीज। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लूंगा इस तरह का एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा, और इसकी लेंथ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये है 12.5 सेंटीमीटर यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। तो सॉरी ये पीवीसी पाइप का टुकड़ा नहीं है, सीपीवीसी पाइप का है। खैर कोई नहीं फ्रेंड्स, आप चाहे पीवीसी का लो या सीपीवीसी का, हमें तो इस तरह का एक पाइप का टुकड़ा लेना है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लेंगे हम इस तरह की एक बैटरी जो कि 18650 लिथियम आयन बैटरी है। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर बना रहे हैं और वो भी रिचार्जेबल, तो उसमें बैटरी तो लगना है ही। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल भी ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैं इस चार्जिंग मॉड्यूल को बैटरी के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैटरी का नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, लेकिन इसका जो नेगेटिव होता है ना वो इस पूरी बॉडी के ऊपर होता है इस तरीके से यहाँ तक। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स इसके कनेक्शन हम करेंगे ना तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो देखना सबसे पहले मैं इसका ये जो B+ लिखा हुआ है इसके साथ में इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, तो बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको छील लेंगे और फिर यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, देख सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है। और अब देखिए एक बार मैं आपको इसको चार्ज करके बता देता हूँ मोबाइल चार्जर के द्वारा। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी बैटरी यहाँ पर चार्ज होना स्टार्ट हो गई है, और जैसे ये फुल चार्ज हो जाती है तो यहाँ पर ब्लू लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो पाइप है वैसे इस पाइप के हम कलर भी करेंगे ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है इसकी लुकिंग भी बहुत शानदार दिखे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे इस तरह का SPDT स्विच, और ये 6 पिन का है जैसा कि आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स ये काम करता है, एक बार लेफ्ट फिर बीच में फिर राइट, यानी कि इससे हम एक बार रिवर्स कराएंगे मोटर को फिर ऑफ करेंगे और फिर फॉरवर्ड, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है उससे हम स्क्रू कस भी सके और खोल भी सके। तो इसको हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने ये स्विच की कटिंग कर ली है, और हमारा जो स्विच है वो इस तरीके से इसके अंदर लग जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लेंगे हम इस तरह के 2 PVC शीट के टुकड़े, एक मैंने लिया है पतला और एक लिया है मोटा, यानी कि ये शीट अलग पाइप से बनी हुई है और ये शीट अलग पाइप से। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा फ्रेंड्स। फिलहाल देखिए इनकी कटिंग हम इस तरीके से कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने ये गोले कट कर लिए हैं, और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसके मिनी USB सॉकेट की कटिंग कर लूंगा इसके अंदर।
और अब देखिए ये जो बैटरी के आउटपुट है, आउट प्लस और आउट माइनस, यहाँ पर दो वायर के टुकड़े जोड़ लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब देखिए यहाँ पर ये जो स्विच हमने लिया था, इसकी 6 पिनों पे कनेक्शन हम देखिए इस तरीके से करने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए इसकी बीच वाली जो दोनों लेग खाली बची हुई है, इनके ऊपर भी हम एक एक वायर जोड़ देंगे। तो इस तरीके फ्रेंड्स ये कनेक्शन मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमारी जो मोटर है वो फॉरवर्ड भी हो और रिवर्स भी हो। तो ये कनेक्शन जो क्रॉस वाइज है ये इसीलिए है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने दो कॉपर के इंसुलेटेड वायर ले लिए हैं और देखिए इनको मैं इस स्विच के दोनों बीच वाले लेगों के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। तो बहुत ही इजी तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको ये सारी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार बाय के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो दोनों वायर हमने कनेक्ट किए थे, इनको देखिए हम कुछ इस तरीके से इसके पीछे की तरफ ले लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, और देखिए इसको मैं डाल देता हूँ इस पाइप के अंदर। ये देखिए, और ये जो दोनों वायर है ये इस तरफ से हम बाहर निकाल लेंगे। अब इन दोनों वायरों को मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर ये जो स्विच है इसके लेफ्ट ये राइट के अंदर। देखिए या तो इन दोनों पिनों पे या फिर इन दोनों पिनों पे। साथ ही फ्रेंड्स हमने ये जो दोनों वायर कनेक्ट किए थे इनको भी देखिए हम बैटरी के साथ में आगे की तरफ ले आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। और अब देखिए इस स्विच को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे फ्रेंड्स हम दो स्क्रू। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इस पीछे वाले पैनल को भी लगा लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लूंगा एक N20 गियर मोटर जो कि 600 RPM की है, यानी कि 600 RPM, और ये 3 से 12 वोल्ट तक सपोर्ट करती है। तो ये हमारी ऑपरेट होगी 3.7 वोल्ट की इस बैटरी के द्वारा, जो कि हमने इस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के अंदर यूज की है। तो देखिए इस मोटर को हम इसके अंदर किस तरीके से फिक्स करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने ये वाला गोला कटिंग किया था, तो देखिए यहाँ पर ये जो मोटर की चौकोर सी पत्ती आप देख रहे हो, इसको हम फिट करेंगे इस गोले के बीच सेंटर के अंदर, यानी कि AC आकृति हम इस गोले के अंदर कटिंग करेंगे, ताकि ये मोटर इधर उधर नहीं घूमे और अच्छे से फिक्स हो जाए। तो चलिए कर लेते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम फिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस मोटर की पत्ती को बिल्कुल 20 सेंटर के अंदर इस तरीके से फिक्स कर दिया है, और अब ये मोटर बिल्कुल भी यहाँ से नहीं हिलेगी। यहाँ पर मैं स्टंट ग्लू लगा के इसको और मजबूत कर देता हूँ। और अब देखिए इस मोटर के कनेक्शन हम इन दोनों वायरों के ऊपर कर देंगे। तो ये रहे फ्रेंड्स मोटर के टर्मिनल, एक ये और एक ये। तो कोई भी वायर किधर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें तो मोटर को उल्टा सीधा दोनों तरफ वैसे भी घुमाना है। तो चलिए लगा लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, और अब देखिए इसको हम फिट कर देते हैं इसके अंदर इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स ये किस तरीके से हमारी मोटर घूमेगी, दोनों तरफ यहाँ पर घूम रही है और 20 सेंटर के अंदर यहाँ पर ये ओप रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से ये वाला आगे वाला हिस्सा हमने लिया था, तो इसको देखिए हम इस तरीके से फिक्स करने वाले हैं इसके अंदर इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आपको लॉक सा दिख रहा है दोनों तरफ, इसी के अंदर फ्रेंड्स हम इसको दोनों तरफ से कट करके फंसा देंगे। साथ ही फ्रेंड्स हम इसके ऊपर भी कुछ लगा लेंगे, ताकि ये टाइट रहे। तो चलिए करते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और अब देखिए हम इसके ऊपर पेपर टेप लपेट लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर बन गया है।
ये देखिए। लेकिन फ्रेंड्स यार इसके अंदर मुझे एक छोटी सी कमी नजर आ रही है, वैसे तो काफी बड़ी है। देखिए जैसे ही मैं इसको इस तरीके से करूंगा, आगे हो गया, पीछे हो गया, ठीक है। लेकिन यार जितनी देर में हम इसको इस तरीके से करेंगे ना, तब तक तो ये चालू हो जाएगा, तब हम खोलेंगे कैसे यार? क्योंकि यार इसको हम चलता हुआ तो स्क्रू तक लेके नहीं जा सकते। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, इसके और मोटर के बीच में एक स्विच होना चाहिए, तो हम जैसे ही रिवर्स की तरफ करेंगे फिर उसके बाद में दबाना है, और जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड करेंगे फिर उसके बाद में दबाना है। तो एक बार फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखे इसको वापस से खोल के यहाँ पर एक ये वाला माइक्रो स्विच लगा लेता हूँ। तो यार ये सारी चीज होती है प्रैक्टिकली करने से ही, क्योंकि हम जैसा दिमाग में सोचते हैं कि इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर भी फ्रेंड्स हमें प्रैक्टिकली ही पता चलता है कि इसमें और क्या कमी हो सकती है। ये लीजिए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर मैं इनमें से एक वायर को हटा के स्विच के साथ में कनेक्ट कर लूंगा, और देखिए स्विच के लिए भी यहाँ पर मैं जगह बना लेता हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर ली है, और अब देखिए यहाँ पर इस माइक्रो स्विच के अंदर देखिए चार लेग है, तो हम इसकी एक तरफ की लेग ही काम में लेंगे, एक तरफ की लेग हटा लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। वैसे अगर हम इन दोनों लेगों को नहीं भी हटाते तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने हटा दिया है। और अब देखिए इन दोनों पे हम कनेक्शन कर लेंगे, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको फिक्स कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी कटिंग इस तरीके से की है कि ये इसके अंदर आधा ही घुसे, यानी कि ये दबाने पे अंदर की तरफ नहीं जा पाए। और अब देखिए फ्रेंड्स ये किस तरीके से काम करने वाला है, जैसे ही मैं इसको इस तरीके से करूंगा और अब दबाऊंगा, देखना चला। और अब देखना पीछे की तरफ करूंगा, ये बंद, वैसे तो ये बंद ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल बंद हो जाता है। अब देखना पीछे की तरफ करूंगा, ठीक है। तो वो तो मैं फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ही किस तरीके से स्क्रू कसेंगे और किस तरीके से खुलेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसकी बिटों का जुगाड़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो बिट है इनको मैं यहाँ से कट कर लूंगा, तो काफी सारी बिट हो जाएगी फ्रेंड्स हमारे पास। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इन बिटों को हमने अलग अलग कर लिया है, और इनका जो बीच वाला भाग था उनको हमने रिमूव कर दिया है। ये देखिए ये इस तरीके से पीछे की तरफ जाएगा तो हमारी बिट अंदर की तरफ चली जाएगी, और जैसे ही वापस ऊपर आएगा ये लॉक हो जाएगी, देखना फ्रेंड्स। ये लीजिए फ्रेंड्स ये लॉक हो गई है बिल्कुल, और अब बटन दबाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, और जैसे ही मैं इसको पीछे करूँगा और अब बटन दबाऊँगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरी वाली बिट भी डाल के देख लेते हैं, एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कोई सी भी बिट यहाँ पर डाल सकते हैं इनके अंदर से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाली जो बिट है काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि इसके द्वारा मोबाइल भी खुल जाता है और लैपटॉप भी, और अगर आपको बड़ा आइटम खोलना है तो ये वाली बिट काम में आएगी, ठीक है। ये इससे बड़ी वाली है, देखिए जैसे ही हम मोबाइल का चार्जर इसके अंदर लगाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो बैटरी है फुल चार्ज है, इसीलिए यहाँ पर ब्लू लाइट ऑन हो रही है, और अगर हमारी बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो यहाँ पर रेड लाइट ग्लो होती। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पतली वाली शीट ली थी व्हाइट कलर की, क्योंकि इसके अंदर से बिल्कुल आर पार लाइट दिख जाती है, ठीक है। फिलहाल देखिए फ्रेंड्स मैं इसको चेक कराने से पहले इसके ऊपर कर लेता हूँ कलर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए मैं मीडियम येलो कलर कर रहा हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने कलर कर लिया है, और आप देख सकते हैं लुकिंग वाइज हमारा जो स्क्रू ड्राइवर है कितना सुंदर लग रहा है। और अब बारी है फ्रेंड्स इसकी शानदार टेस्टिंग की, तो चलिए मैं आपको इसकी शानदार टेस्टिंग कराता हूँ। यहाँ पर ले लिया हूँ मैं लैपटॉप, तो देखिए इसको खोलने के लिए इस बटन को मैं ऊपर करूंगा और फिर प्रेस करूंगा इस बटन को, ये देखिए फ्रेंड्स देख सकते हैं। और अब देखिए इसको मैं वापस से बंद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम इससे भी छोटा स्क्रू खोलते हैं इसका लैपटॉप का, और चलिए वापस बंद करते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको मोबाइल खोल के बताता हूँ, ये रहा मोबाइल,
ये देखिए, वैसे ये पुराना पीस है, अब देखना फ्रेंड्स, ये देखिए खुल गया। और अब देखिए वापस से बंद करता हूँ इसको, सटाक से बंद हो गया। देखिए दोबारा आपको खोल के बताता हूँ फ्रेंड्स, इस वाले स्क्रू को देखना फ्रेंड्स, ठीक है। अब वापस से बंद करता हूँ, ठीक है, बिल्कुल इजीली। और ऐसा नहीं है कि हम छोटे छोटे ही चीज़ें खोल सकते हैं, इसके अंदर बड़ा बिट भी लग सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। तो ये वाला हम लगा के बड़े इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को खोलते हैं, यानी कि अब फ्रेंड्स हम इसके अंदर बड़े स्क्रू भी खोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, तो देखिए इस पावर सप्लाई के स्क्रू खोलते हैं हम साइड के अंदर से, ये वाले। फटाक से खुल गए हैं। अब देखिए वापस से कसते हैं इसके स्क्रू, इसको कसने के लिए देखिए अंदर की तरफ नट है, इसको भी हमें पकड़ना पड़ेगा, बिल्कुल टाइट हो गया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम बिल्कुल सस्ते में ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर कीजिएगा, हो सकता है यार वो भी इसी तरह का इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर बनाने की सोच रहे हो। साथ ही फ्रेंड्स आपको किस तरह के वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।